आज ही DoubtNet ऐप डाउनलोड करें DoubtNet पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कार इज फिक्तेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर अ सेकंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट वन इज ठीक है तो क्या हो रहा है पहले कार के मिरर में दूसरे कार की जो कि 2.8 मीटर पीछे है है ठीक उसकी स्पीड आ है, 15 second, किसके में? कार के में। तो की टू पॉइंट एट मीटर उसकी इमेज की स्पीड बतानी है तो देखो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉइंट यूल्स टू वन अपॉइंट एफ होता है ठीक है ये क्या होता है हमारे पास में ये होता है मिरर फॉमूला अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस एंड डीवी बाई डी टी ठीक है और यहां आ जाएगा अगेन माइनस वन अपॉन यू dt ठीक है तो है तो जीरो हो जाएगा तो यहां से डीवी बाई डी टी जो आएगा वो क्या आएगा इमेज की स्पीड वो आएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इन डी यू बाई डी टी ठीक है अब वी अपॉन यू क्या लिख सकते हैं हम एफ अपॉन यू माइनस एफ लिख सकते हैं ठीक है ये रिलेशन कहाँ से निकलता है मिरर फॉर्मूला से निकलता है तो डीवी बाई डी टी जो बनेगा इमेज बनेगी वो क्या अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्र इंटू डी यू बाई डी टी ठीक है अब एफ की वैल्यू क्या है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होती है वो है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो लिखेंगे भाई ट्वेंटी का डिवाइडेड बाय यू क्या है यू है आपका 2.8 मीटर यानी कि ये हो जाएगा 280 मीटर तो ये हो जाएगा -280 सेंटीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर f की वैल्यू इसका स्क्वायर du/dt कितना है 15 तो ये आ गया भाई आपके पास में -1/15 का होल स्क्वायर 15 तो ये आ गया आपके पास में 1/15 मीटर पर सेकेंड। तो 1/15 इज द करेक्ट आंसर क्लास 6 से 12 तक नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर